a lot. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. You okay, man? You okay, man? Champion! You okay, man? Champion! यही चीज हमारे परिवार को बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग बनाती है। So आप सबके लिए जोरदार तालियों। Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, आप सबको देख के मेरा ख्याल से मेरा जो खून है वो 5 किलो बढ़ जाता है। आज जब सिद्धार्थ जी कुलदीप जी के बारे में बता रहे थे तो मैं भी झुक के देख रहा था कि ये शख्स है कौन जो 6.5 लाख रुपए का चेक पा रहा है। Congratulations. Ladies and gentlemen, thank you so much. आप लोगों को क्योंकि वेस्टीज को भारत की नंबर वन कंपनी बनाने के लिए और थैंक यू। अगर आज टर्नओवर में हम इंडिया की नंबर वन कंपनी बन सके हैं वो इसलिए बन सके हैं क्योंकि आप सब चैंपियंस वेस्टीज परिवार में हैं। पहले कर दूं तो नो प्रॉब्लम्स। थैंक यू। राइट, क्योंकि मेरे ख्याल से एक जोरदार तालियां होना चाहिए सिद्धार्थ जी के लिए। एक बहुत बहुत ही बेहतरीन आज ट्रेनिंग दी। मैं सच बात कहूंगा कि बहुत समय के बाद बैठ के आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच, दैट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल ट्रेनिंग। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा फिर से, क्योंकि थैंक्स वो शब्द है जो मेरी जुबान से दोबारा दोबारा निकलता है। वो इसलिए निकलता है क्योंकि आप लोगों ने आज वेस्टीज को वो कंपनी बनाया है जिसके बारे में हमने आज से लगभग 8 साल पहले सोचा। अगर आज से 8 साल पहले हमने एक किताब निकाली थी कॉल्ड फ्रॉम हेयर टू इटर्निटी, जब वेस्टीज को 7 साल कंप्लीट हुए थे, तब हमारे देश के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का यह हाल था कि सब लोग कहते थे कि यह इंडस्ट्री के ऊपर बैन आ जाएगा और यह इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट्स का भी ओपिनियन ये था, करते कराते तो छोटा सा धंधा है और बवाल इसमें बहुत ज्यादा होता है, सारी की सारी कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फ्रॉड है। मेरे भारत सरकार के कितने मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी से मैं मिला, उनका ये कहना था कि आदमी 2000 रुपया लगा के महीने में 15 लाख रुपया कैसे कमा सकता है। अगर कोई बिजनेस 2000 में शुरू हो और उसकी आमदनी 15 लाख हो तो वो फ्रॉड है, वो दूसरों का पैसा उनकी जेब में जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो सब वक्त था आज से 8 साल पहले जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डरते थे, तब हमने वो किताब निकाली थी। किताब का नाम रखा फ्रॉम हेयर टू इटर्निटी, यानी कि हमने किताब छाप के लोगों को ऐलान किया कि अब से लेके अंत काल तक वेस्टीज हमेशा रहेगी। बहुत काम हुआ आईडीएसए फिक्की के साथ और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताकि आप लोगों का जो भविष्य है, आप लोगों का जो कैरियर है, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रह सके। और आज का दिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, बाकी स्टेट्स इन गाइडलाइंस को अडॉप्ट कर रही हैं, आप लोगों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। थैंक यू। हमने वो जो किताब जब निकाली
सात साल में क्यों निकाली और उसके ऊपर हमने लिखा वेस्टीज सेवन वंडर ईयर्स. सात क्यों? क्योंकि सात नंबर बहुत एक महत्वपूर्ण नंबर है. हफ्ते में दिन कितने होते हैं? दुनिया में समुंदर कितने होते हैं? दुनिया में अजूबे कितने हैं? तो हमारे भारतवर्ष के अंदर जो सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है यानी कि ताजमहल, हमने उसको चुना और हमने कहा कि हम इंस्पिरेशन लेते हैं ताजमहल से. पहली इंस्पिरेशन क्या? कि ताज को बनने में 22 साल लगे. जब सिद्धार्थ जी बता रहे थे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, मुझे तब बैठे इस बात का ख्याल आया कि ताज को बनने में 22 साल लगे थे. अरे कल का पता नहीं, आज कुछ करे तो कल हम रहे ना रहे वो चीज हो ना सके. 22 साल का समय. हमारी पहली प्रेरणा उससे क्या थी कि किसी ने सोचने की हिम्मत तो की. शाहजहां ने सोचने की हिम्मत की कि आज काम शुरू करूंगा, उसका अंजाम 22 साल के बाद आएगा. तब वो बादशाह था. जब ताजमहल बना, बन के कंप्लीट हुआ, तब वो बादशाह नहीं था. हमने उससे क्या प्रेरणा ली? उसका जब अगला पेज आप पढ़ोगे, उसके अंदर जो हमारा मिशन है, हमने 8 साल पहले उस किताब के अंदर प्रिंट किया था, टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम अ बेंचमार्क इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बाय 2018. कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाके दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम एक बेंचमार्क बनेंगे, यानी कि लोग सिर्फ हमारी मिसाल दें. सिर्फ उस किताब में 8 साल पहले लिखा 2018 तक, और आपको तो पता है 2019 अभी शुरू हुआ है. 2018 के अंदर हम लोग एक बेंचमार्क बन गए. दुनिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर वेस्टीज आ गई, जो एकमात्र भारतीय कंपनी है जो ग्लोबल 100 में है. ताजमहल से प्रेरणा बहुत. दूसरी प्रेरणा जो हमने ली कि टीम वर्क. ताजमहल के ऊपर 20,000 मजदूरों ने 22 साल काम किया, अलग अलग देश, अलग अलग मजहब, अलग अलग हुनर, अलग सोच, पर सबने मिलकर किस चीज के लिए काम किया? एक लक्ष्य, एक गोल, फोकस सिर्फ एक की ताजमहल बनना है. उससे हमारी प्रेरणा क्या है कि अभी हम इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, बहरीन में हैं, यूएई में हैं, बांग्लादेश में हैं, अगले 5 से लेकर 6 महीने के अंदर ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, साउथ अफ्रीका और फिलीपींस खोलेंगे. Right? 2020 के अंदर हिंदुस्तान के अलावा हम 20 और देशों में होंगे. हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि पिछले साल हमने मार्च में क्लोज किया था 1050 पे, और हमने लक्ष्य क्या लिया था? 2000 करोड़. कर नहीं सके, कोई बात नहीं, पर 1850 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर आप कर चुके हैं. अभी जब सिद्धार्थ जी फेलियर्स की बात कर रहे थे, तो हम 2000 करोड़ नहीं कर सके. हम विजेता हैं कि हम हार गए हैं? क्योंकि उसी से मोटिवेट होके अब हमने टारगेट लिया है कि 19-20 के अंदर हम सीधा 3,500 करोड़ का टर्नओवर. मैं फिर कहने की कोशिश करूंगा, सोचने की हिम्मत तो करो.
में 22 साल लगे नदी के किनारे बहुत मुश्किल आई होगी, बरसात में फ्लड आ जाता होगा, बालू की जमीन है उसके अंदर उसकी फाउंडेशन खराब हो सकती थी। ताजमहल से हमारी इंस्पिरेशन क्या थी कि अगर 22 साल लगे, 22 साल में जो भी मुश्किल आए हर मुश्किल को हम पार करेंगे, बल्कि हमारा जो मकसद है कि 2025 में हिंदुस्तान के अलावा 50 देश और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वेस्टिज होगी। वो इंस्पिरेशन है कि परसिस्टेंस, मुश्किलें बहुत आएंगी, मुझे भी पता। आपको पता है अभी एक हादसा हुआ, मेरे को किसी ने लिखा सर क्या ये सच है, मैंने कहा हां, मैंने कहा ये कीमत है जो आपको अदा करनी पड़ेगी क्योंकि आप नंबर 1 कंपनी हो। जितनी मुश्किल आएंगे हम और ज्यादा स्ट्रांग होंगे पर अपने मकसद से हटेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ताजमहल से हमारी इंस्पिरेशन है कि ताजमहल को बने हुए 400 साल हो गए, 400 साल में टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में कितना विकास हो सका, आज तक दुनिया में कितने ताज हैं, कि हम उसी की तरह वेस्टिज परिवार को, वेस्टिज को इस प्रकार की कंपनी बनाएंगे जो लोग उसको कभी डुप्लीकेट ना कर सके। जनरल, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का जो साथ हमारे साथ है, आप लोगों का जो अटूट विश्वास हम पे है, उसके हम ऊपर हमेशा स्ट्रांग रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, आपका विश्वास कभी डाउन नहीं होने देंगे। हर दिन हम वही काम करेंगे जिससे आप लोगों की जिंदगी और ज्यादा बेहतर होगी। अभी हम गोवा में थे, मैं, कंवर, दीपक और हमारी एंटायर सेल्स टीम, आने वाले साल का जो एंटायर बजट था कि किस टेरिटरी में कितना प्रोडक्ट कौन सा बिकेगा, कितनी ट्रेनिंग्स होंगी, कितने डायमंड डायरेक्टर्स बनेंगे, कितने इवेंट्स होंगे, अवार्ड फंक्शंस, अगर पिछले साल वहां पे साल में एक जगह पे 700 लोग क्वालिफायर्स थे, अचीवर्स थे, तो हमारा टारगेट है कि इस टाइम पे लगभग 1600 उनके अचीवर्स होंगे। अगर 1600 लोगों के लिए अवार्ड फंक्शंस करने हैं और सम्मान के साथ करने हैं तो एक अवार्ड फंक्शन काफी नहीं होगा, तो उस एरिया के अंदर 3 अवार्ड फंक्शंस करो ताकि हम अपने लोगों को सम्मान दे सकें। लेकिन जेंटलमैन, जब हम ये प्लानिंग कर रहे थे तो कंवरपीर सिंह ने एक बहुत बेहतर चीज कही। उसने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास 47 लाख से ज्यादा लोग एक्टिव हैं, उन्होंने कहा कि अगर 47 लाख लोग सिर्फ 3 लोग साल में स्पॉन्सर करें तो लगभग 2000 करोड़ का तो बिजनेस इन स्पॉन्सरिंग और नई टीम बिल्डिंग से हो जाएगा। जेंटलमैन, मैं उसी चीज के ऊपर एक बात सोच रहा था कि अगर 47 लाख लोग महीने में 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दें तो महीने का टर्नओवर 4000 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। क्या यह संभव है? मैं फिर से कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। अगर महीने का 4000 करोड़ का टर्नओवर होगा 47 लाख लोगों के 3 लोगों को लाने से, हर महीने 3 लोग, तो 19-20 के अंदर हम लगभग 48000 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं।
लेडीज जेंटलमैन दिक्कत यही है कि बड़ा सोचने की आदत पड़ चुकी है। बाकी लोग बाकी कंपनीज छोटा सोचती हैं, वो बचने की कोशिश करते हैं और हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेडीज जेंटलमैन, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज आपके यहाँ पे बहुत बेहतरीन स्पीकर्स हैं जो आपको बहुत बेहतरीन एजुकेशन देंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, उन्होंने कैसे इतनी विजय और सफलता हासिल की, तो उनके और आपके बीच में मैं ज्यादा देर नहीं आना चाहूंगा। आपके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए करना चाहता हूं। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड गोइंग फ्रॉम गुड टू ग्रेट, यानी कि गुड से ग्रेटनेस पे जाते हुए। कोई कंपनी 1000 से 2000 करोड़ करे किसी भी मैनेजमेंट स्कूल में पूछ लो, सब कहेंगे असंभव है, और वेस्टीज ने करके दिखाया। अगर 1850 करोड़ प्लस हमारा टर्नओवर हुआ है, उससे हम सोचने की हिम्मत कर रहे हैं 3500 करोड़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वो सफर शुरू कर चुके हैं जिसे कहते हैं फ्रॉम गुड टू ग्रेट। ये ट्रेनिंग आज, ये जो एजुकेशन मैं आपको दूंगा, ये कंपनी के बारे में नहीं है, ये सब आपके बारे में है। ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने इस बुक से पढ़ के बनाई है जिसका नाम है गुड टू ग्रेट, जो जिम कॉलिंस की बुक लिखी है। इस बुक के अंदर सिर्फ इन्होंने क्या किया कि 5 साल इन्होंने रिसर्च की फॉर्च्यून 500, यानी कि दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 5 साल उनके ऊपर रिसर्च की कि ये कंपनियां बड़ी कैसे बनी, और उन 500 कंपनीज में से उन्होंने चुना सिर्फ 11 कंपनियों को, जिनको इन्होंने कहा कि ये एक अच्छी कंपनी थी और अच्छी से बेहतरीन कंपनी बन गई। उसके अंदर उन्होंने कंपैरिजन किया कि जिस समय ये अच्छी कंपनी थी उसके साथ बाकी कंपनियां भी थी जो अच्छी थी, यानी कि कंपैरिजन कंपनीज थी, उनके पास प्रोडक्ट भी अच्छे थे, उनके पास लीडरशिप भी अच्छी थी, उनके पास पैसा भी खूब था, पर इन दोनों कंपनीज में से इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया कि ये गुड से लेके ग्रेट बन गई और वो कंपनी वही रह गई। इन्होंने इन कंपनीज को जो गुड टू ग्रेट बनी काहे के लिए चुना कि जो कंपनियां 15 साल रेगुलर परफॉर्म करती रही, जो उनके शेयर होल्डर्स थे उनको इतना बेनिफिट मिला और बाकी कंपनीज वो बेनिफिट नहीं देखी दे सकी स्टॉक मार्केट में, जो इस कंपनीज ने लगातार ग्रोथ की, उन कंपनी को नहीं चुना जो 4 साल में आई और पुप करके ऊपर गई और उसके बाद करके नीचे। कंपनीज वो जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। अब सवाल ये आता है कि आज अगर हम कुछ कर रहे हैं जिसके अंदर हम गुड हैं, तो क्या हम ग्रेट बनना चाहते हैं? अगर जो आप अभी काम कर रहे हो, जिस लेवल पे आप हो, जिसकी आपकी इनकम है, या जितना आप काम कर रहे हो उससे अगर आगे बढ़ना है, आप जरूर अच्छा काम कर रहे हो, अगर ग्रेट बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। जिम कॉलिंस ने एक बात कही कि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, कि अगर आप संतुष्ट हो कि यार बढ़िया चल रहा है, जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूं रिजल्ट आ रहा है, टीम आगे मूव कर रही है, बढ़िया चेक लोगों के बढ़ रहे हैं, पर जिस जगह आपका चेक जा सकता है वो वहां नहीं जाएगा क्योंकि आप संतुष्ट हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, उसमें आप खुश हो। अगर आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो कभी गुड के ऊपर संतुष्ट मत हो, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन होने का सबसे बड़ा दुश्मन है।
ग्रेटनेस क्या है? पहली पिक्चर आप देख रहे हैं, कौन है ये? सुनील गावस्कर। क्या सुनील गावस्कर सबसे बेहतरीन बैट्समैन थे? नो। जिस टाइम पे सुनील गावस्कर खेलते थे उस टाइम पे इनसे ज्यादा बेहतरीन टैलेंटेड जो बैट्समैन था उसका नाम था दलीप सरदेसाई। टैलेंट सिर्फ होना यह जरूरी नहीं है कि टैलेंट के साथ आप आगे बढ़ सको। अगर ग्रेटनेस लानी है तो एक चीज के ऊपर काम करना है जिसके ऊपर कहते हैं फोकस। पूरा वेस्ट इंडीज सुनील गावस्कर से घबराता था क्योंकि उनकी फास्टेस्ट बॉलर को ये खेल जाते थे। इन्होंने अपने अंदर इतना स्टैमिना बनाया कि पांच पांच दिन तक लगातार ये खेल सकते थे टेस्ट मैच। राइट, टैलेंटेड बिशप दलीप सरदेसाई थे पर अपने फोकस के कारण लगे रहना लगे रहना लगे रहना। आज के दिन पे दुनिया सुनील गावस्कर को याद करती है, शायद टैलेंटेड दलीप सरदेसाई को इतना कोई याद नहीं करता। दूसरे पाम बॉलर का जवाब नहीं, कौन है ये? कपिल देव। आपको पता है कपिल देव ने अपनी लाइफ के अंदर 432 विकेट्स ली थी और पूरी जिंदगी में सिर्फ एक टेस्ट मैच मिस किया था और वो भी टेस्ट मैच इसलिए मिस किया क्योंकि सुनील गावस्कर ने इनको ड्रॉप किया था उस मैच से। अपने सारे के सारे मैचेस ये खेले फास्ट बॉलर कभी मिस क्यों नहीं कर सके क्योंकि पूरी जिंदगी में इनके कैरियर के अंदर कभी भी इनको इंजरी नहीं हुई, यानी कि खुद को चोट नहीं लगने दी तभी ये मैच खेल सके लगातार। मैच लगातार इसलिए खेले क्योंकि इन्होंने अपनी ग्रेटनेस पे जाने के लिए अपना फिटनेस लेवल बहुत स्ट्रांग रखा। इनको पता था कि अगर मुझे गुड टू ग्रेट रहना है तो मुझे अपनी फिटनेस को हाई करना है। उसके लिए क्या चाहिए था? फोकस। इनकी भाषा तो मैं बोल नहीं सकता, राइट? क्या नाम है इनका? सचिन तेंदुलकर। सचिन क्या सबसे बेहतरीन बैट्समैन थे? नो। उनसे ज्यादा टैलेंटेड कौन थे? विनोद कांबले। पर दुनिया आज के दिन पे सचिन को ग्रेट क्यों मानती है? क्योंकि इनके अंदर भी वही चीज थी, फोकस। अगर कोई ऐसी शॉट अगर सचिन ने खेली जिसमें लगा कि इसके ऊपर मैं आउट हो सकता हूं, उन्होंने जिंदगी भर उस शॉट को कभी फिर नहीं खेला। मैं फिर से कहूंगा, सोचने की हिम्मत तो करो। जो हम काम करते हैं उसके अंदर कुछ काम किया जिसके ऊपर अगर हमें रिजल्ट नहीं मिला, याद रखो इन लोगों को जो ग्रेट बने क्योंकि इन्होंने फोकस किया और रियलाइज किया कि हम क्या गलत कर रहे हैं और इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। जितनी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आप अपने अंदर लाओगे यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। किस चीज से ग्रेटनेस आती है? नंबर वन, एंबिशन। क्या आग है आप लोगों के अंदर? yes! क्या आग है? yes! दूसरा चीज जो ग्रेटनेस लाती है वो लाती है फोकस। तीसरी चीज जो आती है एग्जीक्यूशन, कि जो आप उस चीज को सोचा है, आपका एंबिशन है, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, उसको करना जरूरी है। और फोर्थ चीज जो आती है वो होती है इंस्पिरेशन। जब भी आप अपनी मीटिंग में किसी ट्रेनिंग को सुनते हैं, कोई कर रहा है, उसने क्या चीज बेहतरीन की, उससे इंस्पायर हो, उसको अगर आप अपने अंदर अडॉप्ट करोगे तभी आप अपने आप को गुड से लेके ग्रेट लेके जाओगे।
Taking you further ahead, next slide ke upar main jo aapko batana chahta hu. Going from good to great. Jab aap apna business build kar rahe ho, अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने नेटवर्क में क्या लाना है, उन लोगों को लाना है जो डिसिप्लिन्ड लोग हैं. डिसिप्लिन का मतलब क्या, जो समय पे आते हैं, पूरी जिम्मेवारी अपनी उठाते हैं. यह नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, वो लोग जो डिसिप्लिन्ड लोग हैं. इसके अंदर आपको अपने लिए रखनी है लेवल फाइव लीडरशिप. ये लेवल फाइव लीडरशिप क्या होती है मैं आपसे जाके बाद में बात करूंगा, पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर गुड टू ग्रेट जाना चाहते हो, फर्स्ट हु देन व्हाट. सबसे पहले कौन, करना क्या है वो बाद में. कि अगर आप अपने नेटवर्क में पहले यह चुनाव करोगे कि मुझे किस प्रकार के लोग चाहिए, यह नहीं कि भेड़ बकरियां जो भी आ जाए फटाफट तू भी लग जा, जिंदगी में कभी सफल नहीं हुआ, वेस्टीज में होगा, आजा बेटा आजा आजा. नहीं, अगर आपके पास, अगर आपके नेटवर्क में अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अगर गलत लोग लाओगे, अगर गलत लोग लाओगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर विश्वास नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ आपको कंप्लेन करने के लिए तैयार है, वो लोग आपको निगेटिव करेंगे. क्यों? क्योंकि आपने चुनाव ही गलत लोगों का किया. उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन थॉट. जो आपकी सोच है क्या वो डिसिप्लिन है? फैंटास्टिक. यही तो आपको गुड से ग्रेट बनाएगी. कि जब आपकी सोच डिसिप्लिन है कि मुझे ये काम करना है, इसको ऐसे करना है, इतने बजे शुरू करना है, इतने बजे खत्म करना है, उसके बाद जो गेस्ट आए हैं उनको क्लोजिंग कैसे करनी है, उनको इज्जत कैसे देनी है, उनको सम्मान कैसे करना है, जो मेरे डाउनलाइन वहां पे आएंगे मीटिंग के बाद उनसे मुझे क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, और अपना बिजनेस प्लान क्या बनाना है इस मंथ का और आने वाले 6 महीने का. अगर वो आपकी डिसिप्लिन सोच होगी, उसके साथ आप एक चीज कर सकेंगे जिसको हम कहते हैं कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट. कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट क्या है? कि जो आपके बिजनेस बढ़ने में जो मुश्किलें आएंगी उसको कन्फ्रंट कर सकोगे, यानी कि उसका सामना करने के लिए आप तैयार होगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके बिजनेस में मुश्किल आएगी. इसके साथ जो नेक्स्ट चीज है जिसको हम कहते हैं हेजहॉग कंसेप्ट, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा. ये दो चीजें जब आपका बिजनेस बिल्डअप हो रहा है वो बहुत जरूरी है. अगर आपने अपनी टीम के अंदर डिसिप्लिन लोग ले आए, बेहतरीन लोग, आपके पास डिसिप्लिन थॉट है और मुश्किलात का साथ आप सामना करने के लिए तैयार हैं, तब आपको मिलेगा ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू यानी कि जो सफलता की चाहत है, आपने किसी व्यक्ति के ऊपर 15 बारी प्रयास किया, उसको उसके लोगों को कितनी बारी मार्केटिंग प्लान बताया, इतना फॉलोअप किया, अगर वो तब भी आने के लिए तैयार नहीं है, अगर आपके नेटवर्क में कोई व्यक्ति है जो पिछले 1.5 साल से गोल्ड डायरेक्टर पे अड़ा हुआ है और आपका प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी डायमंड बने और डायमंड के बाद क्राउन बने, आप उसकी मीटिंग्स भी कर रहे हैं, तब भी ग्रोथ नहीं आ रही. जब आप इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, डिसिप्लिन पीपल, फर्स्ट हु देन व्हाट, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट, उससे आपको मिलेगा ब्रेक थ्रू, यानी कि वो अपार सफलता जिसका आपको इंतजार है. ब्रेक थ्रू पाने के लिए, अपार सफलता पाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन्ड एक्शंस. जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर कैसे डिसिप्लिन है,
आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो टीम आपने बिल्ड की है क्या वो डिसिप्लिन्ड है? अगर आपकी टीम के अंदर जब आप बात करते हैं फ्लैक्स की तो वो अपना डिटॉक्स पैच का राग अलापता है, आपका जो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन मॉड्यूल है आप अलग कर रहे हैं, आपके टीम का एक लीडर अलग कर रहा है, अपने इधर उधर से सब अलग प्रयास कर रहे हैं, तो वो टीम डिसिप्लिन्ड नहीं होती। इसके अंदर कल्चर ऑफ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स, यानी कि अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। जो ग्रेटनेस का प्रोसेस है, मैं बार बार सिद्धार्थ जी की बात दोहराऊंगा कि उन्होंने कहा बाकी कंपनियों को 10 साल लगे, किसको इतने साल लगे आगे बढ़ने के लिए। एक दिन के अंदर आपको अपार सफलता नहीं मिलेगी, अपार सफलता तभी मिलेगी जब अपने आप को आप गुड टू ग्रेट बनाएंगे। जो ग्रेट बनने का जो प्रोसेस है, जो उसमें समय लगता है, उसके अंदर सबसे पहला बिल्डअप स्टेज के अंदर डिसिप्लिन पीपल लेवल 5 लीडरशिप रखनी है। सबसे पहले यह चुनाव करना है कि लाना किसको है, करना क्या है, क्राउन बनना है 2 महीने में 6 महीने में, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 15 महीनों में बनना है, वो होगा, पर वो तभी हो सकेगा जब आपके पास अच्छे लोग लीडर्स आपके साथ होंगे। इस बिल्डअप स्टेज के अंदर डिसिप्लिन थॉट्स, जो काम करने में मुश्किल आई है उसको सामना करने के लिए आप तैयार हैं। हेजहॉग प्रिंसिपल क्या है, मैंने जैसे आपको कहा था मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ब्रेक थ्रू स्टेज, जब आपके नेटवर्क के अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रही है, बढ़िया वॉल्यूम चल रही है, उसके अंदर आपको भी डिसिप्लिन एक्शन करना है, एक कल्चर ऑफ डिसिप्लिन बनाना है कि हम सब लोग अपने डाउनलाइंस के लिए जिम्मेवार हैं। अगर हमारे डाउनलाइंस हमारे करके इस बिजनेस में आए हैं तो उनको सफलता दिलाना हमारा काम है, ये आपका डिसिप्लिन थॉट होना चाहिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाते हुए, बिल्डअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, डिसिप्लिन पीपल। क्या कोई भी कुंफू वॉरियर बन सकता है आराम से? सालों सालों का परिश्रम चाहिए होता है, सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करना है, दोबारा दोबारा उन एक्शंस को करते रहना है, तभी जाके डिसिप्लिन एक्शंस लोग बनते हैं। डिसिप्लिन पीपल के अंदर जो लेवल 5 की मैं लीडरशिप की बात करूंगा, लीडरशिप के लेवल्स क्या होते हैं, लीडरशिप के लेवल्स प्राइमरी 4 होते हैं। सबसे पहला लेवल क्या होता है, एक व्यक्ति जो हाईली केपेबल डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है मार्केटिंग प्लान बहुत बेहतरीन बताता है, जब प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है तो लोग पागल हो जाते हैं, उससे माल खरीद भी लेते हैं, उसके साथ ज्वाइन भी कर लेते हैं। ये व्यक्ति अपने हुनर के करके अच्छी कंट्रीब्यूशन करते हैं बिजनेस के अंदर, उनके पास नॉलेज के लेवल्स अच्छे होते हैं, अच्छा टैलेंट होता है और स्किल होता है अपने काम को अच्छा करने के लिए। पर ये वो लोग होते हैं जो खुद के लिए ज्यादा काम करते हैं और टीम के लिए नहीं। दूसरा लेवल होता है कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर का, वो लोग जो आपकी टीम के अंदर लीडरशिप के, मैं दूसरे लेवल की बात कर रहा हूं, आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग होंगे जो अपनी ज्ञान और अपने स्किल्स टीम के साथ भी शेयर करेंगे ताकि टीम सक्सीड करे, और वो लोग इफेक्टिवली काम करते हैं, प्रोडक्टिवली काम करते हैं, सफलपूर्वक काम करते हैं बाकी लोगों के साथ जो आपके ग्रुप में है। ऐसे लोगों को शायद आप भी जानते हैं जो आपके लिए अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कहते हैं चल मैं तेरे साथ चलता हूं, बेशक आप उनकी टीम में नहीं हो पर आप पूरी एक फैमिली में हो, डायरेक्ट अगर आपके हैं भी नहीं तब भी आपके साथ वो काम करते हैं। तीसरा लेवल होता है कॉम्पिटेंट लीडर, वो लीडर जो अपनी टीम को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करता है और क्या गोल है और क्या ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य क्या है, उसको अचीव करता है और उसके लिए काम करता है। आपने देखा होगा कई स्टार डायरेक्टर होते हैं वो 4 साल तक स्टार डायरेक्टर ही रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो लेवल ऑफ लीडरशिप है वो लेवल 4 है, वो उस लेवल पे अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। स्टार डायरेक्टर लेवल मेंटेन रखना है, वो लक्ष्य को मीट कर लेते हैं और इफेक्टिवली उतनी वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं।
लेवल 5 जो लीडरशिप का होता है, जिसके लिए हर एक व्यक्ति को हमें प्रयास करना है, और दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं वो इसी में आते हैं। और मैं ये कहूंगा कि मुश्किल से दुनिया में 10% लीडर लेवल 5 लीडर्स होते हैं। जो लेवल 5 लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गैल्वनाइज करते हैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी बड़ी टीम भी है उसको गैल्वनाइज करते हैं। काहे के लिए? परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के लिए और अचीव अ विजन। कि जो अगर हमने लक्ष्य रखा है कि इस साल आपके टर्नओवर में, नेटवर्क में इतने पीवी की ग्रोथ आनी है, इससे इतने लोग, हमारे 50 लोग क्राउन बनेंगे, उनका चेक कम से कम 3 लाख रुपया पर मंथ होगा। ये जो आपके टॉप लीडर्स आपके साथ ये प्लानिंग करते हैं वो लोग होते हैं जो लेवल 4 के इफेक्टिव लीडर्स होते हैं। लेवल 5 के जो लीडर्स होते हैं, जिनको ग्रेट लीडर्स कहा जाता है, वो लोग होते हैं, उनके पास वो सारी एबिलिटियां होती हैं जो इन पीछे वाले 4 लेवल पे थी, प्लस साथ में उनके पास एक ब्लेंड होता है, एक अलग मिश्रण होता है। किस चीज का? पर्सनल ह्यूमिलिटी। वो हम्बल होते हैं। उनका नाम आप अखबारों में नहीं देखेंगे, वोट ये नहीं चाहेंगे सबसे पहले हमारा नाम लीजियो, राइट? आपने देखा ना, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जब भी कोई शादी होती है, फूफा या मौसा हमेशा नाराज होते हैं, होते हैं कि नहीं? अरे उनको सूट लेंथ दे दो, सोने की चेन दे दो, सब कुछ दे दो, पर उस दिन सुबह जो चाय पिलाई थी मुझे, ठंडी पिलाई थी, ये क्या इंतजाम था? वो अच्छे फूफा या अच्छे मौसा होंगे, पर वो लेवल 4 के लीडर रह गए, क्योंकि वो लेवल 5 में नहीं गए। लेवल 5 के वो लोग होते हैं जिनको अपने नाम की परवाह नहीं होती, उनको यही परवाह होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी टीम किस तरह से सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। उनका यह मकसद नहीं होता कि मुझे सफल होना है, लोग मेरा नाम जाने, उनका यह मकसद होता है कि हमारी कंपनी, हमारी टीम सबसे ज्यादा आगे कैसे बढ़े। ये लेवल 5 लीडर हैं, ये वो लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा, पर्सनल ह्यूमिलिटी। उनके डाउनलाइन ने आकर कहा, सर आप लोगों का ना जो इंतजाम थे बड़ा बकवास थे, तो ये नहीं कहेगा तेरे लिए बग्गी गाड़ी लेके आता, दूल्हे की तरह लाता। जो टॉप लीडर, लेवल 5 लीडर होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं सर, इतने लोगों के अंदर कई बारी दिक्कत हो जाती है, पर आपके जो सुझाव हैं वो आप हमें दीजिए, अगली बारी इस चीज को आपके लिए और बेहतर करेंगे। वो ये नहीं कहेगा क्या लेवल है तुम्हारा, टिकट हाँ कितने दिए थे, ये ले वापस चलो जो। नो, लीडरशिप लेवल 5 का मतलब क्या है? वो पर्सनली हम्बल होते हैं और उनका प्रोफेशनल विल बहुत स्ट्रांग होता है। प्रोफेशनल विल यानी कि अगर उन्होंने कुछ इरादा कर लिया तो दुनिया में उन्हें कोई भी टस से मस नहीं कर सकता। अगर आपने इरादा कर लिया कि आज के बाद अगर वेस्टीज का टर्नओवर 3,500 करोड़ होगा, और 3,500 करोड़ के अंदर अगर आपका टारगेट है 3 करोड़ होना, तो उस 3 करोड़ की फिगर तक आपको कोई हटा नहीं सकेगा, क्योंकि वो आपकी प्रोफेशनल फिगर है। आगे बढ़ते हुए, क्वालिटीज ग्रेट लीडर की क्या होती है? क्वालिटी ग्रेट लीडर की ये होती है, वो लीड करते हैं विद पैशन। जो काम करते हैं उसके अंदर जज्बा, उसके अंदर जुनून होता है। ये लोग वो होते हैं जिनके अंदर हम्बलनेस होती है। आप देखेंगे, मैं दोबारा एक चीज बात कह रहा हूं कि जितना आप हम्बल बनोगे, आपने हमारे यहां पे एक
सुपरस्टार हैं जो मेरे को अभी बाहर मिले थे, हमारे अभिनव जी. अभिनव जी को आप जानते हैं? यस. अभिनव जी आपकी हाइट कितनी है? 6'5". एक मिनट. आप अगर इनसे बात करेंगे ना, ये आपके सामने झुक के बात करेंगे. क्यों? क्योंकि इनका कद बड़ा है. राइट. अगर आप बड़े लीडर हो तो लोगों के सामने झुक के बात करो, क्योंकि आपका स्टेचर, आपका कद बड़ा है. यानी कि घमंड, एरोगेंस, ईगो, जो पहले भी सिद्धार्थ जी कवर कर रहे थे, वो हमारे अंदर किसी भी टॉप लीडर के अंदर नहीं होता. और वो मदद के लिए पुकार करते हैं. अगर कुछ नहीं पता तो उसको जानने के लिए कोशिश करते हैं. और ये चीजें आपने अपने अंदर लेते हैं, आपको अपने अंदर लानी है. वो जिम्मेवारी लेते हैं और वो हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं. और वो हमेशा किस्मत से कभी आगे नहीं बढ़ते. वो आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी टीम के अंदर हमेशा अच्छे लोग चुनते हैं और बेहतरीन लोगों के साथ काम करते हैं. उनके साथ सिर्फ काम इसलिए नहीं करते कि ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है. वो उनके लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो बेहतर लोग हैं, जिनके अंदर क्षमता ज्यादा है. अच्छे लीडर्स ये चुनाव करके उसका काम करते हैं. फर्स्ट हू देन व्हाट. अगर आपको कोई ग्रेट टीम बनानी है, राइट, एक भी प्लेयर अगर कमजोर हो तो आप मैच हार सकते हैं अपनी जिंदगी का. किसी भी टीम को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी में अंदर चीज क्या है? करैक्टर. करैक्टर की डेफिनेशन क्या है मैं आपसे बताना चाहूंगा थोड़ी देर बाद में, क्योंकि चुनाव है आपकी जिंदगी के वर्सेस फेलियर का. आपने जो बेहतर लोग चुनने हैं, जिनके अंदर खूबियां क्या होनी चाहिए, उनकी मैं बात करना चाहूंगा. ये चीज हमेशा देखो, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनके प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है, यानी कि क्या चीज बेहतर कर सकते हैं, टीम को सपोर्ट कर सकते हैं या प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं, लोगों से बात तमीज से करते हैं. अगर किसी को ले आओगे आप और जो जब भी बात करेगा हर बात में उसकी तीन बारी आएगा, MC BC, ऐसे होते ना लोग, राइट. मेरा भी एक ऐसा दोस्त है, कभी अगर हमें डिनर पे इकट्ठे बैठना हो या दोस्तों के साथ बैठना हो, हम ज्यादातर उसको बाकियों के अंदर नहीं बुलाते क्योंकि वो शुरू बाद में होता है और निकलती पहले. कि अगर ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी है पर उसकी भाषा अगर गलत है, तो अगर वो प्रेजेंटेशन करेगा आपके नेटवर्क में लोग नहीं रहेंगे. तो प्रैक्टिकल स्किल्स, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या वर्क एक्सपीरियंस क्या है? करैक्टर क्या होता है? करैक्टर की परिभाषा वो है कि वो काम जो आप करते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, वो आपका करैक्टर है. आपका अपलाइन आपको देख रहा है कि नहीं, पर आप अपनी मीटिंग को पूर्ण तरीके से जान लगा के कर रहे हैं, तो वो आपका करैक्टर है. आपका अपलाइन है कि नहीं, पर आपको अगर सुबह 8 बजे निकलना है या शाम को 6 बजे किसी को टाइम दिया है, आप बिल्कुल टाइम पे इसलिए पहुंचते हैं. आपका अपलाइन हो ना हो, आप इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि आप डिसिप्लिन हैं. वो आपका करैक्टर है. राइट. आप अगर लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो आपका करैक्टर है. अगर आप किसी को सामने मुंह पर मिलते हो, अरे प्रभु तुम ही माता, तुम ही हो पिता, अरे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तुम तो मेरे लिए देवता और देवी की तरह हो, और जब चला गया, हाँ, बेवकूफ आदमी बना दिया ना बेवकूफ, तो आपका करैक्टर सही नहीं है. आप अंदर उसी तरह से सोचते हैं जो आप लोगों के सामने बोलते हैं, तो वो आपका सही करैक्टर है. When you talk about, अगर हमें गुड से लेके ग्रेट जाना है,
अगर हमें गुड से लेके ग्रेट बनना है तो हमें अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखना है. स्टाफिंग फॉर ग्रेटनेस, कि अपने नेटवर्क को बड़ा बनाने के लिए अगर आपको किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि शायद ये काम कर सके कि ना कर सके, अगर डाउट है तो उसको कस्टमर बना लो, उसको स्पॉन्सर करने के लिए जबरदस्ती मत करो. क्यों? क्योंकि अगर आपके नेटवर्क में वो आ भी गया, अगर आपको शक है कि ये अच्छा काम नहीं कर सकेगा, वो अच्छा काम नहीं करेगा, आपका समय बर्बाद करेगा, आपके नेटवर्क के अंदर नेगेटिविटी फैलाएगा. वो कहेगा सर 2 साल से मैं आपके साथ आपके नेटवर्क में हूं, बाकी लोगों को सफलता मिल रही है, मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे बताओ मेरे काम करने के तरीके में क्या गलती है. सर रोज सुबह 6 बजे घर से बाहर निकलता हूं, रात को 12 बजे आता हूं, सारा दिन दफ्तर में बैठा रहता हूं, लोगों को 4-4 लोगों को प्लान दिखाता हूं, बताओ मेरे में क्या कमी है कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही. ऐसा होता है कि नहीं? वो कमी इसलिए है क्योंकि आपने उस व्यक्ति को स्पॉन्सर किया है जो एक्चुअल काम नहीं कर रहा और सिर्फ बैठा रहता है. जब आपको जरूरत है कि जो आदमी आपके नेटवर्क के अंदर काम नहीं कर रहा और नेगेटिविटी बढ़ा रहा है, या आप किसी नेटवर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किसी लीडर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और वो लीडर सिर्फ आपके सामने ड्रामा करता है, जब आप उसके शहर से आ जाते हैं वो उतनी एफर्ट नहीं करता, जिस समय आपको ये रियलाइज हो जाए कि ये इसका डिसिप्लिन और करैक्टर ठीक नहीं है, यानी कि ये कहता कुछ और है करता कुछ और है, तो अगर आप उसके ऊपर 15 दिन लगा रहे हो तो 15 में से 3 दिन कर दो. क्यों? क्योंकि जब जरूरत है उन लोगों को बदलने के लिए जो आपके साथ सही नहीं है, ताकि वो जो समय आपके पास बचा है आप उन लोगों के साथ लगा दो जो एक्चुअल करैक्टर और विल के स्ट्रांग हैं और डिसिप्लिन लोग हैं. Put your best people on the biggest opportunities, not on the biggest problems. आपके नेटवर्क के अंदर कोई व्यक्ति अगर है जो स्टेज के ऊपर जब जाता है वो आग लगाता है, लोग उसको सुन के पागल हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, उस आदमी को स्टेज पे रहने देना, उसको चौकीदार मत बनाना. अभी आती बारी मैं देख रहा था, क्रू लोग हैं, सब कुछ लोग हैं जो गेट मैनेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं, फैंटास्टिक. और लीडर्स कहां बैठे हैं? यहां. जो डायनामिक स्पीकर्स हैं उनकी जगह यहां है. अगर इनको हम कहते हैं यार आप बंदोबस्त देखो, तो यानी कि आप अपने बेहतरीन लोगों का किस तरह से आपने उनका उपयोग करना है वो करना आपकी प्लानिंग है. राइट? टू टेक यू फॉर द हेड. जब आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन थॉट अपने लिए हमेशा रखनी है. कन्फ्रंट द ब्रूटल रियलिटीज. मीट जेम्स स्टॉकडेल. ये जो थे, इनको इनका जो हवाई जहाज था वो नॉर्थ वियतनाम के ऊपर इनका गिरा दिया गया. जो बाद में एडमिरल बने, एडमिरल स्टॉकडेल जो थे, इनको 7 साल प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि कैप्टिविटी में रखा गया इन अ प्लेस कॉल्ड हनॉय हिल्टन. यानी कि एक टाइम पे हिल्टन होटल होता था, पर उसके बाद उसको जेल बना दिया गया था. पर उसमें भी जब ये रहते थे, जेल था, हालात बुरे थे उसके अंदर, तब भी वो कहते थे कि हम तो होटल में रहते हैं. यानी कि क्या है सोचने का तरीका. जेम्स स्टॉकडेल को इन 7 सालों के अंदर 15 से 20 बारी उनके ऊपर अत्याचार किया गया. उनके पैरों के अंदर बहुत मोटी मोटी बेड़ियां डाल दी गई और 4 साल जो थे उनके 7 साल में से वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे. यानी कि एक अंधेरी काल कोठरी के अंदर उनको 4 साल उसी के अंदर रखा गया. 15 से 20 बार उनको टॉर्चर किया गया. 4 साल तक सूरज की रोशनी नहीं दे सके, अंधेरे में ही कमरे में उनको रखा गया. तब भी इन्होंने हार नहीं मानी. क्यों? क्योंकि बाकी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे उनके ये लीडर थे.
यानी कि जब आप गुड टू ग्रेट जा रहे हो, अपने लीडरशिप का लेवल अप कर रहे हो, आपके ऊपर अगर कोई यातनाएं आती हैं तो आपने उनके करके अपनी लीडरशिप को गंवाना नहीं है, क्योंकि जितना आप सहोगे उतना आप चमकोगे, उतना दुनिया आपके ऊपर पागल होगी। एडमिरल जेम्स स्टॉक ने यह कहा था कि आपको कभी एक चीज को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, नेवर कंफ्यूज फेथ। फेथ यानी कि एक विश्वास कि अंत में तो विजय हमारी ही होगी। कि 4 साल काल कोठरी में रख लो, 15 से 20 बारी मुझे अत्याचार मुझ पे करो, पैरों में मेरी बेड़ी डाल दो, पर वो विश्वास के ऊपर कभी कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि अल्टीमेटली मेरी जीत रहेगी, क्योंकि वो विश्वास आप कभी उसको लूज नहीं कर सकते। और जब आप उसको कन्फ्रंट करते हैं विद डिसिप्लिन और अपनी जिंदगी के जो महत्वपूर्ण ब्रूटल फैक्ट्स, कि आप स्टेज पे जब जाते हो तब आप जाते हो अजीम आसान शहंशाह, और आपको पता है कि जो मैं इन लोगों के सामने बनने की कोशिश कर रहा हूं हकीकत में मैं वो नहीं हूं, तो वो जो आपकी जिंदगी का कड़वा सच है, जो आपके अंदर कमजोरी है, उसको आपने हटाना है विद डिसिप्लिन थॉट, ताकि आप एक्चुअली एक अच्छे लीडर से बेहतरीन लीडर बन सको। राइट right? कहते हैं इस डिसिप्लिन के साथ उसको कन्फ्रंट करना है, वो कड़वा सच की जो आपकी अभी जो रियलिटी है, जो अभी मुश्किलें आ रही हैं, वो जो भी हो अंत में जीत हमारी होगी, और उस जीत के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इनका यही कहते हैं कि स्टॉकडेल पैराडॉक्स जो होता है वो कहता है सबसे पहले अपने अंदर हमेशा ही विश्वास को जाने मत दो, रिटेन करो क्या विश्वास कि आपकी एंड में जीत जरूरी होगी, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ द डिफिकल्टीज, चाहे जो मर्जी दिक्कत आ जाए आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। क्या आपको विश्वास है कि आप वेस्टिंग में सफल होंगे? क्या आपको विश्वास है कि आपके साथ जो लोग आएंगे वो भी वेस्टिंग में सफल होंगे? लेडीज जेंटलमैन, एडमिरल स्टॉकटेल ने यही कहा कि ये जो फेथ, ये जो विश्वास है, उसको रिटेन करना है चाहे जो मर्जी मुश्किल आए। अगर आपका नेटवर्क अभी बन नहीं रहा, कुछ लोग आते हैं 4 दिन काम करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, आप 15 लोगों को प्लान दिखाते हैं उनमें से 10 ज्वाइन करते हैं, 10 दिन 10 में से 2 लोग काम करते हैं, बाकी बहाने बनाते हैं। ये पूरी दुनिया के लोगों के बारे में भविष्यवाणी या ज्ञान नहीं है जो आपने पा लिया। आपका काम, जैसे सिद्धार्थ जी बता रहे थे, कि जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी ग्रेटनेस। अगर आज आपकी टीम के 2000 लोग बैठे हैं एज कंपेयर टू किसी के 20 लोग बैठे हैं, जिनके 2000 लोग बैठे हैं वो ज्यादा जल्दी ग्रेटनेस से जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें इन लोगों के अंदर विश्वास है। कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स ऑफ योर रियलिटी, जो आपकी हकीकत है, जो भी हो उस कड़वे सच को पहचानो और अपने आप को इंप्रूव करो। जब भी कोई दिक्कत आए, लीड विद क्वेश्चन, सवाल पूछिए कि अपलाइन 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 मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं। अपलाइन हो या कहीं से, अपने आप से उस सवाल का जवाब पूछो, पर सवाल पूछो, सिर्फ उत्तर मत दो, डायलॉग करो, एंगेज करो अपने लोगों के साथ। डाउनलाइन अगर ग्रो नहीं कर सक रहा, उसको कोई आप भैया तेरी 7000 के ऊपर पीवी अड़ी हुई है पिछले 5 महीने से, ये 14 क्यों नहीं हुई, इसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर उनसे डायलॉग करो, डिबेट करो, पर धमकी से काम नहीं कराना। अगर आपका किसी महीने लेवल अचीव नहीं हुआ, जो आपको लेवल चाहिए था, जितनी पीवी चाहिए थी, बेस्ट प्रमोशन थी, तब भी नहीं हुआ, उसके ऊपर अटॉक्सी करो ताकि क्या गलत हुआ। इल्जाम मत लगाओ कि यार वो जो गधा है ना मेरे नेटवर्क में, वो ही सब कुछ डूब जाता है और बाकी सबने तो काम कर लिया, एंड मोमेंट तक मेरे को ढांचा देता रहा, यस सर टीवी हो जाएगी,
8000 रुपये और साल का ऑर्डर है पर उसने एक भी नहीं डाला, वो ब्लेम गेम होगी। आपको इस हकीकत के ऊपर पूरा कन्फ्रंट सच, कड़वे सच के ऊपर काम करना है कि अगले महीने अगर ये या और कोई आदमी करेगा उसका सलूशन हमें क्या निकालना है। अगर आपके पास सलूशन है तभी आप गुड टू ग्रेट जाएंगे। क्यों? क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी है। हेडजॉग प्रिंसिपल, हेडजॉग प्रिंसिपल क्या होता है? ये आप देख रहे हैं ना लोमड़ी, लोमड़ी जानते हैं ना? यस सर नो, लोमड़ी को क्या माना जाता है कि बहुत चलाक है, राइट? लोमड़ी सबसे चलाक जानवर मानी जाती है। हेडजॉग वो एक तरह का चूहा होता है और उसको खाना लोमड़ी को बहुत पसंद होता है। लोमड़ी करती क्या है, बहुत तरकीबें निकालती है कि आज ना मैं घास के अंदर छुप के बैठ जाऊंगी, मैंने देखा है कि वहां से भाग के ऐसे आता है, पिछली बारी मैंने कोशिश की थी दूर से, आज इस बारी मैं पास से आऊंगी, अगर पास गई तो चूहे को पता चल गया या स्मेल आ गई, चूहा वापस भाग गया, पिछली बारी तो पास गई थी वो पीछे भाग गया, मैं इस तरफ से आऊंगी ताकि उसको पकड़ सकूं। वो अनगिनत प्रयास करती है इस चूहे को पकड़ने के लिए और ज्यादा कर सफल नहीं होती, क्योंकि अगर चूहे को पकड़ भी लेती है, जो हेजहॉग होता है, हेजहॉग एक चूहा होता है, जो करता क्या है, वो एकदम अपने आप को गोल कर लेता है। जब गोल कर लेता है तो उसकी जो पीठ पे पूरे कांटे होते हैं वो कांटे बाहर आ जाते हैं, अगर लोमड़ी उसको मुंह में पकड़ने की भी कोशिश करती है उसके मुंह में कांटे आते हैं, पंजे से उसको हटाने की कोशिश करती है। पर हेजहॉग जो अगर अपने आप को एक साधारण जो काम किया कि अपने आप को गोल कर लिया, उससे हटता नहीं है जब तक लोमड़ी चली नहीं जाती। लोमड़ी चली जाती है वो फिर सीधा होकर अपनी बिल में भाग जाता है, अगली बारी फिर लोमड़ी उसको जब पकड़ती है वो फिर अपने आप को गोल कर लेता है। मेरा इससे कहने का मतलब क्या है कि लोमड़ी बेशक जितनी मर्जी तकलीफ तरकीब लगाए, जो हेजहॉग होता है उसका एक बहुत सिंपल सा काम होता है कि अपने आप को इकट्ठा करके जो काम करना है, एक साधारण काम की गोल करना है, राइट? फॉलो वन कोर्स टिल सक्सेस, इसके हर जो वर्ड है उसका पहले लेटर को ऊपर से लेकर नीचे तक गिनो तो क्या नजर आता है? लोमड़ी का फोकस होता है कि इसको पकड़ना है, क्या तरकीब लगानी है। हेजहॉग का सिर्फ एक फोकस होता है कि सिर्फ अपने आप को गोल करना है। उसने यह प्लान नहीं बनाया कि प्रोटीन पाउडर खाऊंगा, जिम करूंगा, ताकतवर बन जाऊंगा ताकि लोमड़ी आएगी उसे डुशुम डुशुम करूंगा, वो नहीं सोचता। वो ये नहीं कहता कि यार मैं लातों में इतनी स्ट्रेंथ लाऊंगा कि अगर लोमड़ी मेरे को पकड़ने की कोशिश करेगी मैं इतनी ऊंची छलांग मारूंगा कि लोमड़ी से 10 कदम ऊपर चला जाऊंगा, वो ऐसा नहीं सोचता। वो सिर्फ एक काम करता है जो उसको सबसे बेहतर आता है कि गोल बन जाओ। हमें जो ग्रेटनेस हमारी कहां से आएगी, वो ग्रेटनेस उसी से आएगी जो एक साधारण काम हमें सबसे बेहतर आता है उसके ऊपर फोकस करके गोल बन जाओ, राइट? जो हम अपने बिजनेस के बारे में कहते हैं, दिस इज अ बिजनेस विच इज एब्सोल्युटली सिंपल, इसमें मुश्किल काम नहीं करने सिर्फ आसान करने हैं, तो आपका जो फोकस रखना है अपने आप को, हमेशा रिमेंबर कि आपका फोकस जो है वो डिटरमाइन करता है आपकी रियलिटी यानी कि आपकी हकीकत। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाके फोकस क्या है? फोकस इज अ मैटर ऑफ डिसाइडिंग व्हाट थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू डू। जब अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप यहां पर फोकस कर रहे हैं और आपका यह नहीं है कि मुझे वहां देखना है और लक्ष्य मेरा यहां पर है। इसके अंदर जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप अपने फोकस ऑन ग्रेटनेस के लिए करते हैं, सबसे पहले एक चीज चुनिए कि क्या आप दुनिया में सबसे बेहतर काम कौन सा करते हैं।
जरूर एक होगा। कई लोग अच्छा गाते हैं, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई अच्छा बोलते हैं, कोई लोग हाथ मिलाने में माहिर होते हैं, कोई लोग जो आ जाए उनको इज्जत सत्कार देने में माहिर होते हैं, कई लोग होते हैं जिनका दिल धड़कता है लोगों के लिए, कई लोगों में माहिर इस चीज में होते हैं कि अब तुम्हें जरूरत है चलो मैं दे दूंगा, ये करना पक्का मैं कर लूंगा, आप हमेशा उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। हो ये जरूरी नहीं है कि वो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हो या लड़की हो, पर ये जरूरी है कि वो एक चीज के अंदर माहिर है। आपके अंदर वो खूबी क्या है, राइट जो आपके बिजनेस के लिए है। और दूसरी चीज कि कौन सी चीज है जो आपका इकोनॉमिक इंजन चलाती है, कि कौन से उस हुनर के साथ आप अपने वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और किस चीज के लिए आप डीपली पैशनेट हैं, आपका क्या जुनून है। जब आप उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो आप अपने काम के अंदर माहिर बन जाते हैं। डिसिप्लिन एक्शन, कल्चर ऑफ डिसिप्लिन जो आपने क्रिएट करना है अपनी टीम के अंदर, एक चीज को कभी खत्म नहीं होने देना, वो है एथिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कि जब आपके लीडर्स, आपकी टीम के हर व्यक्ति के अंदर एक सोच है कि हम अपने काम को बेहतर कैसे करें और अपने अपलाइन के साथ शेयर करें, अगर टीम के अंदर हर व्यक्ति के अंदर वो सोच रहेगी तो आपकी टीम में हमेशा आग लगेगी। अगर आप अपनी टीम को कहोगे देखो ऐसा तुमने सोचने की कोशिश नहीं करते, समझाइए भाई जी, जो मैं कह रहा हूं वो करते रहो, तो वो क्या हो जाएगा, भारत सरकार की डिपार्टमेंट। जहां पर भाई साहब हमको तो कोई पता नहीं, फाइल आई थी हमने साइड पे रख दी, जब बॉस मंगवाएंगे तभी जाएगी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है लेके जाऊं, आपको दिक्कत हो रही है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये तो फाइल तभी जाएंगे जब बॉस बुलाएंगे। यानी कि कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और होता क्या है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर लोग एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि बिजनेस को अपना नहीं मानते और आगे बढ़ने के लिए सोचते नहीं है, और उनके अंदर डिसिप्लिन कम है कि यार चले जाएंगे आ जाएंगे, हमारे मीटिंग का टाइम तो 10 बजे है, 11:30 भी चले जाएंगे तो एंड के 45 मिनट देख लेंगे, वो डिसिप्लिन नहीं है। हमको क्या लेना देना, अपलाइन सिखाएंगे, अपलाइन को तो एलओपी चाहिए, तो काम भी आएगा वही करेंगे। जिस नेटवर्क और जिस लीडर के अंदर अगर यह सोच है कि मेरे को क्या लेना देना, वो ब्यूरोक्रेटिक यानी कि एक बाबू संस्था बन जाएगी। जिस भी टीम के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के एथिक्स ज्यादा होंगे, यानी कि हर आदमी कहेगा सर मैंने सोचा है इस चीज को बेहतर कर सकते हैं, तो मैंने कहा आपसे सोचू, सर इस बार मीटिंग हो रही है, अरे हमारे पास लोग कम पड़ गए, कोई बात नहीं, मैंने खुद कुर्सियां लगाई, सब कुछ किया, साफ भी की, सर हमारे लोग आ रहे हैं उनका इज्जत सत्कार होना चाहिए, जाने से पहले हर एक का देखेंगे, उनको पीने के लिए पानी का इंतजाम है, ये नहीं कि बहुत अल्टीमेट अपलाइन आके चेकलिस्ट बना के खड़ा है। जब हर आदमी के अंदर ये चीज होती है तभी एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनती है और तभी नेटवर्क में आग लगती है, राइट क्या आप लोग अपने बिजनेस के लिए जिम्मेवार हैं? क्योंकि सिर्फ कहने से चैंपियन नहीं बनता, जिम्मेवारी लेने से चैंपियन। Ladies and gentlemen, ये आप देखते हैं ये पहिया या ये चीज जिसको सिलाई की मशीन कहते हैं, राइट इसके अंदर साधारण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। साधारण टेक्नोलॉजी क्या, एक बड़ा पहिया, एक रस्सी, ऊपर एक छोटा पहिया,
नीचे पैडल जिसको आप दबाओ, जिसके करके बड़ा पहिया भी चलता है और छोटा पहिया भी चलता रहता है, और आप दबाते रहोगे वो दबता रहेगा, घूमता 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 रहेगा। यानी कि जो मैं आपसे कह रहा था कि जब आपके नेटवर्क में डिसिप्लिन थॉट है, आपने चुनाव सही लोगों का किया है, जो सिस्टम चीज बताता है उसको घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहोगे, तभी आपको एस्केप वेलोसिटी मिलेगी। यानी कि उतनी ऊर्जा, उतनी एनर्जी आपकी टीम में आएगी जो आपको जरूरत है अंतरिक्ष को पार करने के लिए। और आपको अंतरिक्ष में जाने के लिए वेस्टीज में जो चीज की जरूरत है गुड टू ग्रेट बनने के लिए, वही है कि सिस्टम को फॉलो करो, कंटिन्यू द एफर्ट्स, बी डिसिप्लिन्ड, सही लोगों को लाओ, एंड सक्सेस इज ऑल योर्स। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा ग्रॉस को, सिद्धार्थ जी को और एंटायर इस टीम की एंटायर लीडरशिप को, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया ताकि मैं आपके सामने कुछ रख सकूं। मुझे पता है इससे बहुत बेहतरीन एजुकेशन आज आपको मिलेगी, पर जो मेरा अटेम्प्ट था मैंने आपके लिए किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड